हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग करेंगे। आप 2.5 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर लेते हैं। अब मार्क को बिल्कुल बराबर करते स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे। देखिए, मैं गले की लंबाई 10.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे, तो आप वीडियो में देखिए कैसे मार्क करें, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए गले की डिज़ाइन का मार्किंग कर दिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे मार्किंग किए सेम कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये देख लीजिए, मैंने गले की कटिंग कर दिया है। ब्लाउज़ कपड़ा ले लेंगे साथ में, तो बराबर में ब्लाउज़ कपड़े को रख देते हैं गले के साथ में, और इसकी भी सेम कटिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए गले की कटिंग कर दिया। 20 से हम अलग अलग कर देंगे कट करके। अब दोनों पार्ट को बराबर में रख लेंगे और एक सिलाई लगाते हुए देखिए स्टिचिंग करेंगे। तो पहले गले को स्टिच करना है, तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे गले को स्टिच करूँ। इस तरीके से बराबर करते गले को स्टिच कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने गले को स्टिच कर दिया। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल दीजिएगा और छोटे छोटे कट लगा देंगे। इससे जब पलट कर इसको सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगी। अब इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो पहले अच्छे से कॉर्नर को पलट कर सीधा कर दीजिएगा। तो मैंने ये ब्लाउज़ को देखिए पलट कर सीधा कर दिया। अब एक सिलाई लगाते हैं, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे गले की, ऐसे कर दीजिएगा। तो गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग देखिए मैंने कम्प्लीटली ये कर दिया है। अब इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। अस्तर कपड़े को मिलाते जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ ऐसे पूरा आप भी कर लीजिएगा। तो मैंने अच्छे से इसको पूरा स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से ब्लाउज़ में ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। अच्छे से माप लेते हुए ट्रक्स को स्टिच कर दीजिएगा। अब मैंने ये ट्रक स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से इसमें फैब्रिक ज्वाइंट करेंगे, दूसरा पार्ट भी ऐसे बना देंगे। तो दोनों पार्ट को मैंने अच्छे से बराबर में बना दिया। नीचे के साइड से जो फैब्रिक ज्वाइंट की इसको डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट कर दी। देखिए स्टिच करें, ऐसे कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से नीचे के साइड से पूरा स्टिचिंग कर दिया है। मेरा ये स्टिच हो चुका है एक पार्ट, ऐसे बना देंगे। सेम ऐसे दूसरा पार्ट भी बना लीजिएगा जैसे मैंने इस पार्ट को आपको बनाकर दिखाया है। तो मैंने ये दोनों पार्ट अच्छे से बना दिया है। अब इन दोनों पार्ट पे डिज़ाइन करना है, तो पहले इसको साइड करेंगे। और डिज़ाइन करने के लिए जो गले में से मैंने ये फैब्रिक कट करके निकाला था उसके बराबर में मैंने देखिए अस्तर रख दिया है। तो अस्तर को रख दीजिएगा, बड़ा अस्तर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा 1 इंच बढ़ाते हुए हम इसको पहले मार्किंग करेंगे और कटिंग कर देंगे। 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा स्टिचिंग के लिए। तो मैंने ये कटिंग कर दिया है। अब इसके साथ में हमें फैब्रिक यूज़ करना है, तो फैब्रिक ले लेते हैं ब्लाउज़ का और इस दोनों को बराबर में रखते हुए साइड से स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे साइड से स्टिचिंग करी, दोनों को बराबर करते ऐसे बराबर करते अस्तर कपड़े को स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने दोनों साइड से जैसे मार्किंग किया उस तरीके से स्टिचिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने ये स्टिचिंग कर दिया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया। आप छोटे छोटे कट लगा देंगे, इससे जब पलट कर इसको सीधा करेंगे तो ये बराबर में आ जाएगा डिज़ाइन। अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको पूरा पलट कर सीधा कर दिया। बराबर में हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। हाथों से इसको प्रेस कर लेते हैं और एक सिलाई लगाते हुए दोनों साइड से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप देखिए वीडियो में कैसे इसको स्टिच करें दोनों साइड से, इस तरीके से स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो एक साइड से स्टिचिंग हो चुकी है, दूसरे साइड से भी कर देंगे। तो मैंने ये दोनों साइड से स्टिचिंग कर दिया है कम्प्लीटली इसका। अब हमें इसको ब्लाउज के साथ में स्टिच करना है, तो ब्लाउज का एक पार्ट ले लिए, नीचे के साइड से इस तरीके से बराबर में रखते हुए सिलाई लगा के स्टिचिंग करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ज्वाइंट करके अच्छे से स्टिच कर दीजिएगा।
तो एक पार्ट देखिए मेरा स्टिच हो चुका है, ऐसे दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे तो दूसरे पार्ट को बिल्कुल बराबर में इस पर रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर देते हैं। ब्लाउज डिज़ाइन को जो नीचे मैंने बना के रखे है उसके साथ में देखिए ब्लाउज को स्टिच कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप भी स्टिचिंग कीजिएगा। तो दोनों पार्ट के मैंने कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब इस ब्लाउज़ को डेकोरेट करना है तो डेकोरेट करने के लिए लेस यूज़ करेंगे तो लेस ले लेते हैं। और गले पे देखिए लेस को कैसे स्टिच करेंगे, सेम इस तरीके से आप गले पे लेस की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा मैं लेस को कैसे स्टिच करूँ। ऐसे बराबर करते स्टिचिंग कीजिएगा, कॉर्नर से लेस को फोल्ड कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने लेस को अच्छे से पूरा गले पे आपको स्टिच करके दिखा दिया, ऐसे स्टिचिंग कर लीजिएगा और दोनों साइड से लेस को स्टिच कर दीजिएगा। दूसरी साइड से भी देखिए मैं लेस को बराबर करते स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे हम दूसरे साइड से भी लेस को लगाएंगे जैसे इस साइड से लगाया हुआ है गले पे, तो सेम ऐसे दूसरे साइड से भी लगा देंगे। तो दोनों साइड से लेस लग चुका है। अब बीच में डेकोरेशन करेंगे तो मैंने ये कुछ फैब्रिक कट कर लिए हैं, अब इनको राउंड में बिल्कुल कट कर देते हैं। अच्छे से सेटिंग करके राउंड में कर दीजिएगा, गोल कर लीजिएगा। अब इन फैब्रिक का हम फ्लावर बनाएंगे तो फोर पार्ट्स में फोल्ड करेंगे और नीडल की सहायता से स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे फ्लावर को बना रही हूँ, इस तरीके से आप भी फ्लावर को बना दीजिएगा। तो आपको ये फ्लावर समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बना रही हूँ। ये फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने दो आपको अच्छे से समझा कर दिखा दिए, ऐसे मैं जितने सारे बनाए हुए हैं 6 पार्ट्स बनाइएगा, 6 लीजिएगा, 6 कपड़े राउंड में बिल्कुल कट कीजिएगा और इसी तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो आप बड़ा छोटा जैसा भी फ्लावर बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिएगा। ये देख लीजिए मेरा फ्लावर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक पत्ती मेरी बाकी है बस, उसको भी अच्छे से बना लेंगे ऐसी ही। तो मैंने देखिए पूरा अच्छे से ये फ्लावर बना दिया है। अब इसको हम बराबर करेंगे और इसके रॉन्ग साइड से अच्छे तरीके से टाइट गांठ लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्लावर बन चुका है, आपको समझ में आया होगा। इस फ्लावर को साइड करेंगे और इसको हमें ब्लाउज के साथ में स्टिच करना है। तो मैंने ब्लाउज ले लिया है, ब्लाउज के जो मिड वाला पार्ट है वहाँ से हम फ्लावर को स्टिच कर देंगे और यहाँ से एक सो वाली बटन लगा देंगे। तो मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही सिंपल से और बहुत ब्यूटीफुल ब्लाउज डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छी लगी हुई मेरी डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।